नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप चौहान। आज मौजूद हूं उत्तर प्रदेश का मिनी पंजाब कहे जाने वाले ज़िले महाराजगंज में। मिनी पंजाब कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे पंजाब में धान और गेहूं की बम्पर खेती होती है, उसका उत्पादन होता है, उसी प्रकार से महाराजगंज ज़िले में धान और गेहूं की बम्पर खेती होती है और संभवतः पूरे प्रदेश में सबसे ज़्यादा उत्पादन यहाँ पर होता है। परंतु इस वर्ष ज़्यादा बारिश होने के कारण किसान की फसल में कुछ समस्या भी आ गई है, रोग भी लग गया है। और आप देख रहे हैं, थोड़ा नज़दीक से दिखाइए, इस प्रकार से रोग लगे हुए हैं कि किसी काम लायक फसल बची नहीं है। छोटे छोटे दाने लग गए हैं और संभवतः किसान बता रहे हैं कि ज़्यादा बारिश होने के कारण इस बार इस प्रकार की फसल नुकसान बिल्कुल बर्बाद हो गई है। तो नेता लोग संसद में पहुंचते हैं तो जय जवान और जय किसान के नारे लगाते हैं, तमाम एक से एक नारे लगाएंगे, परंतु किसान का जब फसल बर्बाद हो जाती है तो कोई नज़दीक आता नहीं, ना कोई पूछने वाला होता है। तो आइए हम जानते हैं कि कितना नुकसान है, क्या है क्या नहीं है। तो इस प्रकार से हमारे साथ एक किसान भी जुड़ गए हैं। आइए आइए, थोड़ा दिखाइए। तो सर जी, आपका इधर फसल है? नहीं, हमारा तो इधर नहीं है, उधर अच्छा, आगे। अच्छा, तो आइए बताइएगा, इधर दिखाइए, थोड़ा इधर देखिए कितनी ख़राब धान हो गया है। तो ऐसा क्यों है, थोड़ा जानकारी दीजिएगा, क्या वजह है कि इस बार इस प्रकार का रोग लगा हुआ है? ये बारिश के कारण हो सकता है। दिखाइए सर, क्योंकि हर किसी धान में लग रहा है, तो कोई ऐसा धान नहीं लग रहा है। अच्छा, तो अब जब इस कंडीशन में धान आ गया है तो क्या इसका कोई उपयोग बचा है? कोई उपयोग नहीं बचा है। कोई उपयोग नहीं है। तो ये हर साल लगता है या इसी साल? नहीं, इसी साल लगा। इसी साल लगा है ना? तो कितने किसानों के खेतों में ऐसा लगा होगा इस प्रकार? हर किसान के खेत में लगा है। तो बिल्कुल, तो फसल तो गई इस साल, ऐसा कोई नहीं, कोई किस में नहीं लगा, सब में लगा है। सब में लगा है, तो अब इसका कोई यूज नहीं है। तो कितना नुकसान हुआ होगा कम से कम? अब भर्ती के हिसाब से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ कुछ। अच्छा, तो भर्ती के हिसाब से ज़्यादा नुकसान हुआ है। तो कम से कम कितना खर्च आया होगा इस पे, धान पे कितना खर्च आया होगा? 75,000, मतलब 75,000 के आसपास खर्च आया होगा। कितना खेत है? अरे पूरा चार एकड़ के आसपास है। 4 एकड़ के जो खेत पूरा है, इसमें कम से कम 70,000-75,000 के आसपास खर्च आया होगा और पूरा नुकसान हो गया। क्या बीमा वीमा करवाते हैं या नहीं करवाते हैं लोग? नहीं, बीमा वीमा नहीं है। जब बीमा नहीं है तो फिर बड़ा मुश्किल है। जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री जी ने लागू किया है, तो लेकिन उसका कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। उसका कोई आम देखने ही नहीं आता है तो क्या किया जाए? कोई देखने नहीं आता। कहाँ पे? अच्छा, ये बताइए कि इसका कोई इलाज वगैरह है? क्या इलाज है कुछ? अच्छा अच्छा, नहीं है, दवा ववा डाले थे हम लोग। अच्छा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ? कोई काम नहीं हुआ। अच्छा, तो आइए चाचा से हम लोग थोड़ा जानते हैं। चाचा इधर आइए, इधर इधर आइए थोड़ा आप। तो इधर कैमरे के सामने आप आइए, इधर, हाँ इधर आइए, आप उधर जाइए चाचा, इधर देखिए। तो एक किसान हमारे साथ जुड़े हैं, हम जानना चाहेंगे इनसे कि अब इसका कोई इलाज वगैरह कर रहे हैं आप लोग? इलाज कौन इलाज कर, जैसे कोई बीमारी होती है तो उसका इलाज करते हैं, दवा डालते हैं, तो इसमें दवा और नहीं डाले हैं क्या? दवा हुआ तो हाँ डाले हैं, लेकिन तोने पर तो जौन बा खराब हो गया इलवा बहन चोर। अच्छा, मतलब कोई मतलब नहीं निकला? ना ही निकला। देखिए एक किसान एक भी इधर भी दिख रहे हैं, तो कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ गए थे आप? घास काटने अपने जानवरों के लिए, घास काटने। जानवर के कई जानवर हैं? तीन ठो दूध देते हैं? नहीं, गाभी नहीं। गाभी नहीं भैंस।
अभी जो है भैंस गाभिन है और किसान घास लेके आ रहे हैं, अभी पता नहीं घास काटेंगे और उसको चारा डालेंगे तो इसके बाद दूध वगैरह अगर देती होगी तो दूध मिलेगा, नहीं तो। तो भैया ये है दशा किसान की, किसी तरह से जानवर पालता है, खेती करता है और इसके बाद नुकसान भी होता है खेत का, तो किसान ही सहता है ना। तो बड़ा ही आशा लगाकर जब मौसम आता है खेती करने का तो बड़ा ही आशा लगा के किसान आते हैं कि हम फसल लगाएंगे, फसल होगी तो काटेंगे और बेचेंगे और इसके बाद उसका लाभ होगा और अपना धान जो कुछ खरीदना होगा खरीदेगा, साल भर खाएगा। परंतु जब नुकसान हो जाता है तो फिर उसको मजदूरी से लेकर क्या क्या करना पड़ता है, वहाँ से पैसा इकट्ठा करता है और फिर वो खरीदेगा तो घर परिवार चलाएगा। तो इस प्रकार से आज हमने दिखाया महाराजगंज जनपद के, मैं ये खुद नहीं दिखा रहा हूँ और हजारों किसानों के साथ ऐसा है और इसमें तो थोड़ा पानी कम है, तमाम किसानों खेतों में पानी बहुत ज़्यादा लगा है। और एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ का रिकॉर्ड है कि वाटर लेवल बिल्कुल ऊपर है, यहाँ का पूरे प्रदेश में इतना वाटर लेवल ऊंचा नहीं हुआ जितना यहाँ का, इसलिए पानी भी जल्दी नहीं सूखता है, बारिश का पानी अभी भी खेतों में पड़ा हुआ है, जिसका परिणाम ये है कि ये तो कम है, उधर देखेंगे तो पूरा का पूरा फसल गिर गई है और उसमें यही रोग लगा है। और इसको हम नज़दीक से दिखा दें तो अब इनका ये देखिए, देखिए एकदम झड़ रहा है, पीला पीला ये झड़ रहा है, अब ये किसी काम लायक नहीं फसल बची है। तो दोस्तों धन्यवाद, आज हम अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन करते हुए दिखाया और इस प्रकार से अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगें तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। धन्यवाद।